विशाखापट्टनम गैस लीक हादसे में मरने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़कर 10 हो गया है। शुरुआती जांच रिपोर्ट में पता चला कि गैस वाल्व में दिक्कत होने के कारण हादसा हुआ। गुरुवार सुबह 2:30 बजे गैस वाल्व खराब हो गया और जहरीली गैस लीक कर गई। फिलहाल ये शुरुआती जांच रिपोर्ट है। अभी अधिकारियों की पूरी टीम मामले की जांच कर रही है। मामले की प्रारंभिक जांच कर रहे एक सीनियर अधिकारी के अनुसार अभी तक पता चलता है कि गैस के लिए वाल्व नियंत्रण को ठीक से संभाला नहीं गया था और वो फट गए, जिससे रिसाव हुआ। इसके अलावा आसपास के लोगों ने फैक्ट्री का सायरन नहीं सुना, इस वजह से हादसे की चपेट में ज्यादा लोग आए। क्या कहना है LG पॉलीमर्स का? विशाखापट्टनम में अपने संयंत्र में एक बड़े गैस रिसाव के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में LG केम ने कहा कि गैस रिसाव की स्थिति अब नियंत्रण में है और पीड़ितों को शीघ्र ही उपचार प्रदान करने के सभी तरीके अपनाए जा रहे हैं। कंपनी ने कहा कि हम मामले की जांच कर रहे हैं ताकि रिसाव और मौतों का सटीक कारण पता चल सके। गौरतलब है कि विशाखापट्टनम में एक फैक्ट्री के प्लांट में हुए गैस रिसाव से आज खलबली मच गई है। गैस का रिसाव ऐसे हुआ कि प्लांट के आसपास के दायरे में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया है। दम घुटने की वजह से अफरा तफरी मच गई। सड़कों पर लोग बेहोश होकर गिरने लगे। गैस कांड में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 316 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।